हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो है फॉर लूप के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पर लूप एक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग में, जिसे हम लोग यूज़ करते हैं अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल बार करना है। अगर बार 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 हमें करना है तो हम लोग इस फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर कंसोल लॉग कर रहा हूँ हाय, अगर ये हाय अगर मुझे तीन बार करना है, अगर मैं रन करूँगा तो आप देख सकते हैं हाय दिखाई देगा। पर अगर ये हाय मुझे तीन बार करना है तो मुझे इसे तीन बार इस तरीके से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो भी मैं रन करूँगा तो उसको यहाँ पर आउटपुट दिखाई देगा तीन बार, राइट। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमें तीन बार लिखने की, अगर लेट्स सपोज तो तीन बार लिखने की ज़रूरत थी इसलिए हमने यहाँ पर तीन बार लिख दिया। लेट्स सपोज 100 बार करना है या 500 बार करना है या 1000 बार करना है तो हम कैसे कर पाएंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लूप का इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग ये लाइन ऑफ कोड को बोल सकते हैं कि आप जो है 100 बार रन हो या 10 बार रन हो, इस तरह कितने भी बार हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमें कोई ब्लॉक ऑफ कोड या कोई कोड को हमें मल्टीपल बार रन करना, एक से ज़्यादा बार रन करना हो तो हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ फॉर, ठीक है, और ओपनिंग या क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, और एक वेरिएबल यहाँ क्रिएट करता हूँ आई इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले हमें एक फॉर लूप में देते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ओके। और यहाँ पर मैं देता हूँ समय कोलन, और मुझे दूसरा यहाँ पर देना है कि कहाँ तक वो रन होगा, मतलब कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट ज़ीरो है पर एंडिंग पॉइंट कहाँ तक उसे जाना चाहिए, कितने बारों से लूप होना चाहिए, राइट। जैसे आपको 10 बार चाहिए या 10 बार हाई चाहिए या 100 बार हाई चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं एक्सप्रेशन यूज़ करके। तो मैं देखता हूँ कि आई इज़ लेस देन 10, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आई जो है 0 से स्टार्ट होगा पर वो 10 के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये 0 से 9 तक प्रिंट होएगा। तो उसके लिए अभी दूसरा तीसरा मुझे ये बताना है कि कैसे वो उस डेस्टिनेशन दे जाएगा। ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका एंडिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग से एंडिंग कैसे जाएगा, एक एक इंक्रीमेंट करके जाएगा या 2 बार इंक्रीमेंट करके जाएगा, तो वो हम लोग यहाँ पर देते हैं जिसमें मैं दूँगा आई प्लस प्लस। तो ये आई प्लस प्लस का मतलब ये है कि मैं एक ही बार उसे इंक्रीमेंट करना चाहूँगा। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल लॉग हाय, तो अब मैं इसे क्लियर करके यहाँ पर रन करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 10 बार अभी वो हाई यहाँ पर दिखाई देगा। 10 बार क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, तो 0 इट्सेल्फ यहाँ पर वो हाई प्रिंट हुआ, तो उस तरीके से 0 से लेकर के 9 तक यहाँ पर 10 वैल्यूज प्रिंट हुई, तो यहाँ पर 10 बार हाई प्रिंट हुआ, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्लॉक ऑफ कोड हमने 10 बार यहाँ पर रन किया और कितना ईजिली हम लोग कर पा रहे हैं, हमको 10 बार उसे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इस तरीके से आप स्टार्टर देते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 भी दे सकता हूँ और मैं रन करूँगा तो अब वो उतने बार नहीं होगा यहाँ पर, अभी यहाँ पर सिर्फ 8 बार वो होगा बिकॉज वो 2 से स्टार्ट हुआ है। और तो यहाँ पर जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस तरीके से वो 8 बार रन हुआ बिकॉज वो अभी 0 से स्टार्ट नहीं हुआ था बल्कि वो 2 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए वो 8 बार यहाँ पर रन हुआ बिकॉज उसे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर मिला 2, एंडिंग मिला यहाँ पर 10, और वो कैसे 2 से 10 तक कैसे हो जा सकता है वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, सिर्फ एक एक बार वो इंक्रीमेंट हो गए। तो ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है 8 बार यहाँ पर रन हुआ। हम लोग ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर एक एक तरीके से जा सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पर मैं देता हूँ आई आई प्लस इक्वल टू 2। तो इसके लिए मैं यहाँ पर, ये एक शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो यहाँ पर एक ऐसे वर्क करता है कि जब पहली बार जब वो रन होता है तो आई का वैल्यू है 0, ठीक है, और जब आई का वैल्यू 0 है तो कंसोल लॉग हाई यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वो मैच करने की कोशिश करेगा कि आई जो है लेस देन 10 है क्या, मतलब कि 0 इज़ लेस देन 10, ऑफकोर्स वो ट्रू है, राइट। जैसे ही फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो ये जब तक कि ट्रू रिटर्न कर रहा है जब तक ये ब्लॉक रन होते रहेगा। तो यहाँ पर देख रहा है कि 0 इज़ लेस देन 10, ऑफकोर्स ये ट्रू रिटर्न किया, राइट, इसे इवेल्युएट करने के बाद, तो अब वो आगे बढ़ेगा। और देखिए यहाँ पर हम 2 के तरीके से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो आई जो है क्या है 0, 0 प्लस 2, तो वो बन गया 2, और फिर से वो आई में जाके स्टोर हो जाएगा। अब वो दोबारा रन होगा तो आई अभी क्या है, आई है अभी 2 बिकॉज इसी बार वो इंक्रीमेंट होने की कोशिश कर रहा है। इसी बार होने से पहले क्योंकि आई अभी 2 है तो वो मैच करने की कोशिश करेगा कि ये ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स। 2 इज़ लेस देन 10, ये ट्रू रिटर्न किया, अगर ये फॉल्स हो जाता तो ये रन नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये ट्रू हो गया है तो फिर वो आगे बढ़ेगा और देखेगा कि और ये कंसोल लॉग हाई प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद अभी जब वापस लूप हो रहा है तो चेक करेगा कि एक आई का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू अब होगा यहाँ पर 4, बिकॉज हमने यहाँ पर 2 + 2 जो क्या होगा 4, और 4 आई में जाके स्टोर होगा। आई में जाके जब 4 स्टोर हो गया तो फिर से अब वो लूप घूमेगा, अब वो ये कंडीशन मैच करने की कोशिश कर रहा है कि 4 < 10 ऑफकोर्स ट्रू राइट, तो इसलिए वो ये ब्लॉक ऑफ कोड वापस रन कर दिया है। तो अभी आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू अब है 6, बिकॉज आई का वैल्यू पहले क्या था 4 + 2 क्या हुआ 6। अब वो ये कंडीशन फिर मैच करेगा, अब देखेगा कि 6 < 10 ये क्या रिटर्न करेगा ट्रू राइट, बिकॉज 6 < 10, तो वो फिर से ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो है आई जो है हो जाएगा 8, अरे अभी ट्रू रिटर्न करेगा तो फिर हाई आएगा, उसी तरीके से आया भी बन जाएगा 10, ठीक है। तो फिर अब एग्जीक्यूट होने से पहले वो देखिए कि 10 < 10 फॉल्स राइट, बिकॉज 10 is not less than 10, तो ये क्योंकि ये फॉल्स हुआ तो ये ब्लॉक अभी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए अब मैं क्लियर करके रन करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 बार आपको हाई दिखाई दिया, बिकॉज वो 5 बार इटरेशन ट्रू हुआ इसलिए आपको यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है। और वही एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं कि ईच इंडिविजुअल इटरेशन पे, यहाँ एक चीज़ कॉमन थी कि ये 5 इटरेशन में ये वैल्यू जो है ट्रू रिटर्न कर रहा था, इसलिए ये 5 इटरेशन में ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन जो ये लास्ट का इटरेशन था जहाँ पर 10 is less than 10 फॉल्स हुआ, इसलिए वो आपको यहाँ पर एक और हाई यहाँ पर नहीं बताया, सिर्फ 5 ही बार हाई बताया, बिकॉज वो 5 इटरेशन में आई का वैल्यू यहाँ पर जो है ट्रू रिटर्न कर रहा था इसलिए। तो इस तरीके से हम लोग फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ताकि हम लोग मल्टीपल हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल बार हम लोग इस तरीके से यहाँ पर रन कर सकते हैं।